Okay, students, so now we are going to start, we are going to continue with the next, this chapter, and in this chapter we are going to deal with the topic types of mixtures. Types of mixtures. On the basis of स्टेट, देखो पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलते हैं इन अ रेशियो, वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. ओके, उससे पहले हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज, बेसिकली द केमिकल लैंग्वेज, केमिस्ट्री. वी आर स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं. तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अ प्योर सब्सटेंस इज द वन विच इज हैविंग all the components of the same nature all around. दो प्योर सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलके एक मिक्सचर बनाते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर. तो स्टेट के बेसिस पे अगर हम डिवीजन कर रहे हैं, वी शुड हैव नोन अबाउट द स्टेट्स, द थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. We have the solid mixtures, we have the liquid mixtures, and we have the gaseous mixtures. तो अगर solid, liquid and gaseous mixtures हैं, तो उनके जो pure substances होंगे वो भी respectively solid, liquid and gases ही होंगे. Let us first talk about the solid mixture. Solid mixture is sand. Sand is made up of clay, slit, etc. उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें मैग्नीशियम भी होता है, उसमें क्ले भी होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्लिट पार्टिकल्स ऑल्सो. द अदर काइंड ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज सैंड प्लस सॉइल. वी कैन टॉक अबाउट द सैंड प्लस सॉइल और सीमेंट. बेसिकली सीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अगर सॉलिड पार्टिकल्स की बात करनी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रॉक्स. रॉक्स इन द सॉइल, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड मिक्सचर. लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर कौन सा हो सकता है? एल्कोहल प्लस वाटर एंड लेमन जूस प्लस वाटर. गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर इज फॉग, एयर एंड क्लाउड्स. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वी कैन हैव द थ्री टाइप्स ऑफ मिक्सचर. दीज आर द सॉलिड लिक्विड, सॉलिड मिक्सचर्स, लिक्विड मिक्सचर्स एंड द गैसियस मिक्सचर्स. ठीक है, these are the examples of solid, liquid and gaseous mixtures. Now let us talk about the next thing, that is on the basis of size of particles. And on the basis of arrangement, the next type is
ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स वी हैव थ्री काइंड ऑफ मिक्सचर्स. दीज काइंड ऑफ मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन. दिस इज द डेफिनेशन एंड these are the examples. Okay, here I'm going to write the definition and here I'm going to write the examples. Solution, what is a solution? A homogeneous mixture of two pure substances. Example, salt, sugar solution. Yeah, solid के अंदर हम sugar जो solid mixture है उसके अंदर हम sugar crystals and चाय पत्ती का भी मिक्सचर ले सकते थे. बेसिकली दे आर मिक्सचर. एंड जो दाल होती है, दाल के अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स ग्राम्स डाले जाते हैं बेसिकली, वो भी एक काइंड ऑफ सॉलिड मिक्सचर है. दैट इज़ यूजेबल. देर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसियस मिक्सचर्स. ओके, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू प्योर सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन. Sugar, salt, solution. What is a colloid? A colloid is also homogeneous mixture in which the particles are smaller, larger than the solution. Smaller than the suspension. For example, milk. Milk is a kind of colloidal solution. Fog. Fog is also a kind of colloidal solution. But you can write milk, you can write juice. You can write various kind of syrups. Okay, suspension. Suspension is a kind of mixture in which particles are widely suspended in a medium. Suspension is a kind of heterogeneous solution. Suspension is a kind of heterogeneous solution. Suspension के अंदर हम example लिख सकते हैं chalk plus chalk powder. Basically chalk powder plus water. Chalk powder plus water. This is a suspension. So based on the size of particles, suspensions are of three kinds. The first one is colloid, next one is
सॉल्यूशन एंड द थर्ड वन इज सस्पेंशन. सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड में. कोलाइड शोज द टिंडल इफेक्ट. कोलाइड जो है दैट शोज द टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? बेसिकली टिंडल इफेक्ट को हम डिटेल में करने वाले हैं. कोलाइड के पार्टिकल्स, जब कोलाइड के पार्टिकल्स में से जब लाइट पास होती है तो वो स्कैटर हो जाती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. तो दिस इज अ बेसिक फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन. सस्पेंशन आर दोज सॉल्यूशंस दैट नीड्स टू बी शेकन प्रॉपरली बिफोर यूज. आपने बहुत सारी जो लिक्विड सिरप मेडिसिन होती हैं, जो बहुत सारे सिरप्स कोलाइड्स भी होते हैं एंड बहुत सारे सिरप्स सस्पेंशन भी होते हैं, आपने बहुत सारे मेडिसिंस के पास साथ में देखा होगा कि उसमें क्या लिखा होता है, शेक वेल बिफोर यूज. तो वो क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द सस्पेंशन जिसके पार्टिकल्स क्या हैं, वो सेटल डाउन कर जाते हैं आफ्टर सम टाइम. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द काइंड ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे वी कैन डिवाइड द मिक्सचर्स इन ऑफ टू टाइप्स. सपोज द फर्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. And the next one is the homogeneous mixtures. Colloid and solution hai jo dono, these are examples of the homogeneous mixtures and suspension is the example of heterogeneous mixtures. First of all, let us understand this thing with the help of the diagram. See, these are one kind of particles of the solution, this is one kind of pure substance, and the blue one is the next kind of pure substance. इसीलिए इस kind of mixture को क्या बोला गया है? Mixture on the base of arrangement or the distribution or the uniformity of the particles. You can write here on the basis of arrangement, the distribution as well as uniformity of particles. This is a homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड अदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर. लेट मी ड्रॉ इट अगेन इन अ प्रॉपर, मोर प्रॉपर एंड मोर अरेंज्ड वे. Let me draw one more layer. This is a mixture. These are one kind of particles. These are another kind of particles. As you can see that these kind of particles are so properly uniformly arranged. Thus, this kind of
मिक्सचर इज नोन एज अ होमोजीनस मिक्सचर. होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर, सिमिलर और यूनिफॉर्म. एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ए एंड बी इन अ सॉल्यूशन. दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड दिस काइंड ऑफ मिक्सचर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. नाउ लेट मी ड्रॉ, लेट मी राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू काइंड ऑफ मिक्सचर्स. Okay, let us write. Homogeneous and heterogeneous mixtures. As we have already read that homogeneous mixtures are the kind of mixtures that have all around the same properties and same uniform distribution of particles, and in the heterogeneous mixture we have different distribution of the particles. So let us write about the differences between them. First of all, first difference is that it has the uniform composition. The first difference is of uniform composition. In the homogeneous mixture, as you know that homo means similar or same, thus the composition of the solution is uniform all around. The mixture are of same and uniform composition all around. It particles cannot be seen through naked eye. Particles are not mechanically separable. Most of the solutions are homogeneous solutions. सॉल्यूशंस, यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस की बात कर रही हूँ. ये वाले जो हमने ये वाले सॉल्यूशंस किए थे, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर होमोजीनस सॉल्यूशन. इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑल अराउंड. इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज. पार्टिकल्स आर नॉट मैकेनिकली सेपरेबल. मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर होमोजीनस सॉल्यूशंस. And the next point is about settle. Particles of the homogeneous solution do not HS, likh deti hu, HMS, homogeneous, HGS basically, HGS, homogeneous solution are
पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन सिंपली, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड पार्टिकल्स सेटल डाउन. दिस हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, नो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. Its particles can be seen with naked eyes. Particles can be seen with naked eyes. Particles are not mechanically separated. Yes, particles are mechanically separated. मैकेनिकली किस प्रोसीजर के थ्रू? सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन. दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मैकेनिकल मेथड्स बाय विच वी कैन सेपरेट आउट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. मोस्ट ऑफ द सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस. मोस्ट ऑफ द क्या, हर एक सस्पेंशन जो है हेट्रोजीनस ही है. पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. यस, पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू शेक वेल बिफोर यूज द सस्पेंशन. ठीक है, इसीलिए हमें सस्पेंशन को यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना पड़ता है. नाउ लेट अस हैव अ लुक अबाउट ओके ऑल दीज प्रॉपर्टीज, ऑल दीज डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्जाम्पल. देखो यहां पे मेरे पास हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है एंड एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन नहीं, मिक्सचर. यस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में I am taking the example of sand plus water. In this heterogeneous kind of mixture क्या होगा कि जो sand particles हैं water में mix नहीं होंगे अच्छे से, then they are not of uniform composition. आपको sand के particles after some time क्या कर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ ज़्यादा होगी उसकी composition. इसीलिए it is not of uniform composition. It is not of uniform composition. And homogeneous mixture के अंदर I'm taking the example of salt solution. And in this case I'm talking about the saturated salt solution, basically unsaturated salt solution. क्योंकि saturated salt solution के बाद जब हम super saturate कर देते हैं उसको, तो वो भी क्या बन जाता है, एक type का heterogeneous mixture ही बन जाता है. क्योंकि और ज़्यादा शुगर उसमें water particles में mix नहीं हो पाती. super saturated solution is also a kind of हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई. जब आप शुगर पानी के अंदर घोल देते हो, अगर वो शुगर प्योर है तो आपको पानी के कलर में कोई भी चेंज नहीं नजर आएगा. दैट इज सेम इन द केस ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन में नॉर्मल पानी के अंदर हमें शुगर या सॉल्ट नहीं दिखता अगर वो पूरे अच्छे से मिक्स किया है, एंड दैट शुगर एंड सॉल्ट इज प्योर.
ठीक है, तो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स थ्रू द नेकेड आई, बट वी कैन सी द सैंड पार्टिकल्स थ्रू द नेकेड आई, द पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू द नेकेड आई. तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज बिल्कुल सही हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट मैकेनिकली सेपरेबल. सॉल्ट सॉल्यूशन है या शुगर सॉल्यूशन है, उसके पार्टिकल्स जो है वो मैकेनिकली आप हाथों से क्या है सेपरेट आउट नहीं कर सकते. बट जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, अगर आप फिल्टर आउट कर दोगे वाटर को, अगर आप फिल्टर पेपर ले रहे हो, तो फिल्टर पेपर में पानी है जो वो सारा नीचे चला जाएगा एंड सारा सॉल्ट, सारा जो सैंड है वो बेसिकली क्या रह जाएगा, ऊपर ऊपर रह जाएगा. सो दीज थिंग्स, द हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आर सेपरेबल एंड हेंस proved. ठीक है, मोस्ट ऑफ द होमोजीनियस सॉल्यूशंस, ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस. ये क्या है, सॉल्ट एंड शुगर का एक सॉल्यूशन होता है, थस इट इज होमोजीनियस, ये प्रूव हो गया. एंड सैंड प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं ना, इसीलिए इसको सस्पेंशन बोला जाता है. ठीक है, पार्टिकल साइज बड़े होने की वजह से. And the next thing is the particles do not settle down. Solution के particles या homogeneous mixture के particles कभी भी settle down नहीं करते हैं. They do not settle down. Why don't they settle down? Because particles इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, particles इतने ज़्यादा properly mixed होते हैं कि वो separate out नहीं किए जा सकते फिल्ट्रेशन या किसी भी मैकेनिकल मेथड के साथ, वैसे ही वो सेटल डाउन नहीं हो सकते. दे आर ओनली सेपरेबल विद द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड अदर जो बहुत ज़्यादा डीप प्रोसेसेस हैं, डीप फिजिकल प्रोसेसेस से ही पॉसिबल हो सकती है उनकी सेपरेशन. एंड अगर सैंड पार्टिकल्स, देखो हमारे पास गंदा पानी है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, पानी को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दो, वो अपने आप ही सारे सैंड पार्टिकल्स क्या है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे एंड दैट इज प्रूफ्ड. ठीक है, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, दे आर बिगर इन साइज, वी कैन सी दोज पार्टिकल्स बाय नेकेड आईज एंड दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. I hope you got it. You got the difference of the homogeneous and different types of mixture with the help of example. Thanks. Thanks for watching. You can visit the description box for the notes. Thank you so much.